राम राम जी सर, है ना। होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कॉलेज के पीजी कोर्सेज एडमिशंस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पीजी कोर्सेज के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आपके एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुके, यानी कि जिन बच्चों के पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया था उन्होंने फीस भी कटवा दी है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कॉलेज में जाके अपना एडमिशन है वो कन्फर्म करवा दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे बच गए भाई जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया कम परसेंटेज की वजह से, या फिर उनका क्या है कि गलत प्रेफरेंस डाल दी थी, किसी और कॉलेज में एडमिशन आ गए लेकिन उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, तो इस केस में उन बच्चों को क्या करना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 17 तारीख से यानी कि कल से आपकी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो पोर्टल है वो दोबारा से रीओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले ओपन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ओपन काउंसलिंग ये है कि आपके कॉलेज में जाके वहां पे अपना जो एक फॉर्म होता है छोटा सा वो फिल करना होता है, उसमें नाम, फादर नेम, आपकी परसेंटेज, कैटेगरी वगैरह सारी चीज भरनी होती है। जो बच्चे वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बना देंगे नंबर के हिसाब से और फिर उनका जो मेरिट लिस्ट लगा के उनका एडमिशन है वो कर दिया जाएगा। उसी दिन उनको आपकी जो फीस पे करनी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपना एडमिशन है वो कन्फर्म करवाना होता है। ओके, तो ये है कि कल से परसों या उससे अगले दिन भी आपकी ओपन काउंसलिंग होती है, वो आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका कॉलेज किस दिन ओपन काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, डीएचसी की तरफ से कल से स्टार्ट हो जाएंगी ओपन काउंसलिंग। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कॉलेज में ओपन काउंसलिंग कब है जिसमें आपको एडमिशन लेना, तो कॉलेज के या तो कोई इंस्टाग्राम पेज या फिर आप उसकी वेबसाइट पे या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के वहां पे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि सर आपके कॉलेज में कल ओपन काउंसलिंग है या नहीं है पीजी कोर्सेज के लिए। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं पोर्टल रीओपन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जिनका फॉर्म है वो भरा नहीं गया था या फिर कुछ मतलब फॉर्म भरते टाइम पे गलती रह गई थी, तो उनका अब क्या रहने वाला है, तो उनके लिए दोबारा पोर्टल रीओपन होगा। जो बच्चे नए फॉर्म भरना चाहते हो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, कुछ बच्चे अपने कोर्स ऐड करवाना चाहते जैसे उन्होंने पहले हिस्ट्री पॉलिटिकल में लेना था लेकिन अब वो क्या है कि इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी वगैरह में भी करना चाहते हैं वो भी कोर्स ऐड करवा के उनकी ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो बच्चे फॉर्म बिल्कुल ही नहीं भर पाए थे, ठीक है, तो वो भी अपना फॉर्म है आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। कल आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा अप्रोक्स 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है, तो इसी टाइम पे आपका पोर्टल वो ओपन होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अभी भाई रेगुलर वीडियो डाला करेंगे, ठीक है, 10-15 दिन तक ना रही थी रेगुलर वीडियो, तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए राम राम।